नमस्कार, आप देख रहे हैं हंसडी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार बंद की सफलता से तेजस्वी यादव बेहद उत्साहित हैं। आरजेडी के नेताओं के अनुसार तेजस्वी के लिए यह कामयाबी किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिहार बंद को सफल बनाकर तेजस्वी यादव अपने के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर दिया है। खबर यह है कि तेजस्वी इस बिहार बंद से इतने उत्साहित हैं कि नागरिकता संशोधन को लेकर अभी से ही उनकी आगे की रणनीति बनकर तैयार हो गई है। जानकारी के अनुसार पार्टी सीएए को लेकर अब जेल भरो आंदोलन करने वाली है। दरअसल तेजस्वी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि एनआरसी और सीईओ को लेकर जिस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, वह इस मौके को ज्यादा से ज्यादा बुनाना चाहते हैं। यही कारण है कि बिहार बंद के बाद तेजस्वी अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है। बिहार बंद के बाद अब तेजस्वी यादव जेल भरो आंदोलन शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आरजेडी अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव के लिए खुद लालू यादव सारी रणनीति बना रहे हैं। गौरतलब है कि जिस दिन लोकसभा में यह अधिनियम पास हुआ और अगले ही दिन ये उच्च सदन में पेश होना था, लालू ने आनन फानन में तेजस्वी को एनआरसी और सीएबी के खिलाफ धरने पर बिठा दिया था। तब से ही लालू के इशारे पर तेजस्वी खेमा लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। तेजस्वी नागरिकता संशोधन के जरिए मुसलमानों के साथ अब दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक को भी साधने में लगे हैं। जिस तरह से आरजेडी एनआरसी और सीए के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उन्हें इस बात का भी डर सताने लगा है कहीं मुसलमानों के वोट बैंक को बचाने के चक्कर में हिंदू यानी पिछड़ा वोट बैंक ना खिसक जाए। यही कारण है कि बिहार बंद के तुरंत बाद तेजस्वी ने ट्वीट करके खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश की है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।